सो हाय गाइस, वेलकम टू ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ कार सिमुलेटर 2। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि रिसेंटली हमारे गेम में एक अपडेट आया था जिसमें हमारी काफ़ी सारी न्यू कार्स हमको देखने को मिली हैं, जैसे कि बुगाटी डेवो, मर्सिडीज मेबैक एंड हमारी मैजडा 6। ऐसे मतलब काफ़ी सारी कार्स हमको देखने को मिली हैं, ठीक है। बट उनमें से जो सबसे ज़्यादा स्पेशल कार है एंड हम सभी की फेवरेट है, वो है भाई बुगाटी डेवो, ठीक है। सो आज मैं उसको लेने आ चुका हूँ हमारी डीलरशिप पे। एंड सबसे पहले हमारी गाड़ी से उतरते हैं, देन चलते हैं हमारी कार डीलरशिप के अंदर एंड देखते हैं भाई हमारी बुगाटी डेवो कहाँ पर प्लेस्ड है, ठीक है। एंड आप सभी देख सकते हो क्लियरली कि हमारी वही वाली डीलरशिप है जिसमें हमारी प्रीवियस अपडेट की कार्स आई थी। एंड भाई आप सामने देख सकते हो हमारा ब्लैक बीस्ट यानी कि हमारी बुगाटी डेवो खड़ी हुई है एंड कितनी ज़्यादा औसम लग रही है। सो भाई सबसे पहले इसको बाय कर लेते हैं एंड फाइनली मैंने इसको कार परचेज कर दिया है। एंड आप देख सकते हो भाई कितनी ही ज़्यादा औसम लुक्स प्रोवाइड कर रही है। भाई लिटरली बता रहा हूँ ना कि ये गेम की भाई हमारी एकदम फ्यूचरिस्टिक कार है, मतलब इससे पहले अभी तक इतनी बढ़िया भाई कोई भी कार हमारी गेम में नहीं आई है। होप टू कि ऐसी आपको भी पता होगी कि भाई इससे बढ़िया मतलब इससे ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक एंड मॉडर्नाइज कार कोई भी हमारी गेम में अभी तक नहीं आई है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको ले चलता हूँ एंड थोड़ा बहुत कस्टमाइज करा लेते हैं एंड देन इसका फाइनल लुक मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ। फिर सबसे पहले ले चलता हूँ इसको हमारे कस्टमाइजेशन गैराज पे, ओके। एंड भाई अभी आप देख सकते हो कि मैं फाइनली हमारी बुगाटी डेवो को भगाते हुए लेकर आ चुका हूँ हमारे कस्टमाइजेशन गैराज पे एंड इसमें एंटर करते हैं। एंड अभी हम जो भाई हमारा मॉडिफिकेशन यानी कि कस्टमाइजेशन है मैं उसको नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ जितने भी कस्टमाइजेशन ऑप्शन हैं सभी के सभी हमें मिशन कंप्लीट करने के बाद ही अनलॉक होते हैं, ठीक है। सो मेरे को बेसिकली ओनली अलॉयज चेंज कराने हैं बिकॉज कस्टमाइजेशन हम नहीं करा सकते, हमारे इंजन की ट्यूनिंग हम नहीं करा सकते, ओके। सो पहले चूज करता हूँ कि भाई अलॉयज कौन से अच्छे लगेंगे, भाई ये वाले अलॉयज या फिर भाई ये तो हमारी विंटेज कार के हैं ये भी अच्छे नहीं लग रहे, भाई कोई अलग टाइप के अलॉयज थोड़े से मैं लगवाना चाहता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई ये वाले मेरे को थोड़े बहुत सही से लग रहे हैं, सो मैं इन्हीं को भाई अप्लाई करा देता हूँ एंड देन भाई चलते हैं हमारे कलर शोरूम पे, ठीक है, यानी कि हमारे जो कलरिंग वाली भाई गैराज है वहाँ पे चलते हैं, ओके। सो अभी हम आज के भाई हमारे पेंट गैराज पे एंड इस बार के अपडेट में पता नहीं क्या ही भाई अलग सा ग्लिच हो गया है कि हमारे जो गैराज में भाई थोड़ी सी भी लाइटिंग नहीं रहती है जिससे हमको समझ में नहीं आता कि कैसा कलर पेंट कराएं बिकॉज भाई बिल्कुल एकदम डिम लाइट रहती है तो पेंट थोड़ा समझ में नहीं आता, ठीक है। तो मैंने इसको मैट व्हाइट में करा लिया, मेरे आई थिंक कि भाई इसको ग्लॉस में बढ़िया लग रही है भाई, ठीक है। सो मैं इसको ग्लॉस ही कराना चाहूँगा एंड इसके ऊपर मैं कोई भी विनाइल नहीं लगाना चाहूँगा बिकॉज ऑफ ये ऑलरेडी इतनी ज़्यादा औसम लगती है तो विनाइल्स की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सबसे पहले भाई थोड़ा सा टायर का भी कलर चेंज करा लूँ बिकॉज मैंने विंडशील्ड को थोड़ा सा डार्क करा दिया है, सो काफ़ी औसम लुक प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। स्मोक आई थिंक येलो बढ़िया रहेगा एंड भाई फाइनली हमारी कार हो चुकी है फुली कस्टमाइज नहीं आप कह सकते इसको, थोड़ा बहुत मॉडिफाइड एंड पेंटेड कह सकते हो, ठीक है। सो भाई फाइनल लुक ये हमारी कार का एंड काफ़ी ज़्यादा औसम लग रही है वाइट कलर में बिकॉज ऑफ इतनी भाई मतलब ये इस पहले से इतनी ज़्यादा औसम है तो इसको औसम क्या ही और बना सकते हैं। एंड भाई ये था हमारा न्यू हाउस स्क्रैपर। अगर आपको इसका भी वीडियो चाहिए तो मैं इसके ऊपर भी फुल डिटेल वीडियो बना दूंगा कि आपको इसको कैसे परचेज करना है एंड आप बुगाटी डेवो को कैसे परचेज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको इसका मॉडलिंग चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर से बता देना एंड अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को आप सेट कर दो एंड हाँ जिसने अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रखा है प्लीज़ एंगर ट्रिपल नाइन को इंस्टा पे फॉलो कर लो। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।